हाँ तो दोस्तों, मैंने अपने इंडियन बाइक ड्राइंग 3D गेम के अंदर जो भी हमें कंट्रोल बटन देखने को मिलते थे उन सभी को रिमूव कर दिया है, जो कि हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलते थे। एंड इनको रिमूव करने के बाद में अपने गेम के अंदर थंबनेल के स्क्रीनशॉट लेने के लिए काफी यूजफुल एंड अच्छा लगता है। और दोस्तों, आप सभी को ये भी बताने वाला हूँ अपने गेम के अंदर जो स्टिक बम्प देखने को मिलता है उसे अधिक दूरी पे टारगेट कैसे करे। एंड दोस्तों, ये भी बताने वाला हूँ बिना हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे उसे कैसे ड्राइव करे और साइकिल को कुछ इस प्रकार से ड्राइव करे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंधु गेमर में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। हाँ तो दोस्तों, आप सभी ने इंट्रो में देखा कि आज मैं आप सभी के लिए इंडियन बाइक ड्राइंग 3D गेम की ट्रिक्स लेकर आ चुका हूँ। तो ये ट्रिक्स में से आप सभी को कुछ ट्रिक्स पहले से पता होगी शायद, लेकिन एक दो ट्रिक ऐसी है जिनके बारे में आप सभी को पहले कुछ भी पता नहीं होगा। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आप सभी को ट्रिक्स बताना। तो सबसे पहले आप सभी को एक हेलीकॉप्टर स्पॉन कर लेना है जिसका चिटकोड आप सभी को पता है 8000। जैसे डायल करेंगे हमको हेलीकॉप्टर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में आप सभी को आपकी फेवरेट बाइक ले लेनी है। भाई मेरी फेवरेट तो हायाबुसा है, तो मैं हायाबुसा ले लेता हूं। आपको जो भी फेवरेट है, जो भी अच्छी लगती है वो बाइक ले लेना। उसके बाद में उसको हमको स्पॉन कर लेना है। स्पॉन उसके जस्ट पास में ही करना जहां उसका गेट हो रहता है हेलीकॉप्टर का। ये दोनों लेने के बाद में दोस्तों, आप सभी को इनके बीच में चले जाना जहां से थोड़ी सी हल्की डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगी। डिस्टेंस आपको रखना जरूरी है। जब भी आपके पास ऑप्शन आएगा हल्का फुल्का यहाँ से घूमना है, तो आपका ऐसे डायरेक्ट का ऑप्शन आएगा, हेलीकॉप्टर का चिन्ह भी दिख रहा है एंड बाइक का चिन्ह भी उसमें देखने को मिलेगा। तो हमको बाइक पे बैठ जाना है। वैसे हम जैसे क्लिक करेंगे तो बाइक पे बैठ जाएंगे, और जैसे हम बाइक को आगे लेंगे तो आप सभी देख पा रहे हैं हेलीकॉप्टर भी ऑन हो चुका है एंड फ्लाई करने लगा है हल्का फुल्का। और जैसे हम बाइक को रेस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हमको हेलीकॉप्टर के कंट्रोल भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये कंट्रोल हमको इतने ज्यादा काम करने को नहीं मिलेंगे, तो हमको बाइक से उतर जाना है। एंड दोस्तों, हम जैसे बाइक से उतर जाएंगे, बाइक से उतरने के बाद में जो हमारे करेक्टर का कंट्रोल का ऑप्शन आता है, उसी कंट्रोल के ऑप्शन से हमें हेलीकॉप्टर भी कंट्रोल देखने को मिलेगा एंड उसकी रेस पे हमको क्लिक करना है। एंड जैसे हम आगे जाएंगे तो वो अप हो जाएगा हेलीकॉप्टर, मतलब वो फ्लाई अप होने लगेगा। एंड जैसे हम ठीक उसी प्रकार से पीछे की तरफ आएंगे या फिर साइड की तरफ जाएंगे तो डाउन हो जाएगा हेलीकॉप्टर, जो कि आप सभी देख पा रहे हैं। एंड दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी ट्रिक के बारे में। तो दोस्तों, इस दूसरी ट्रिक में मैं बताने वाला हूँ सभी को स्टिक बम्प के बारे में। तो सबसे पहले सिंपली हमको स्टिक बम्प ले लेना है। जैसे हम स्टिक बम्प को ले लेते हैं, इसको टारगेट करते हैं, तो आप सभी देख पा रहे हैं हम स्टिक बम्प को ज्यादा दूर तक टारगेट नहीं कर पाते, इसको फिक्स ही टारगेट कर पाते। एंड आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि इसको ज्यादा दूर पे टारगेट कैसे कर पाए। तो सबसे पहले हमको सेल फोन निकालना है अपना, फिर हमें 7112 डायल करना है। ये डायल करने के बाद में हमें फोन वापस रख देना। उसके बाद में फिर से हमें स्टिक बम लेना है। स्टिक बम लेने के बाद में हम जैसे वापस टारगेट करेंगे उसको स्टिक बम को, तो आप सभी देख पा रहे हैं ये कितनी दूर पे टारगेट होने लगा है। एंड जैसे इसको ऊपर करके मैंने वापिस से टारगेट किया तो ये अधिक दूरी को कवर कर रहा है। एंड मैंने हल्का सा करेक्टर को साइड में किया एंड हम यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं कि यहाँ पर भी हमको अधिक दूरी पे टारगेट देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा स्टिक बम का। आप सभी देख सकते हैं मैंने स्टिक बम को यहाँ पे भी टारगेट कितनी दूरी तक कवर किया है। और आप सभी को स्टिक बम को एक्टिवेट मतलब ब्लास्ट करके आप सभी को प्रूफ भी करने वाला हूँ ये रियल है। एंड हम जैसे एक्टिवेट पे क्लिक किया तो ये जितने भी हमने स्टिक बम टारगेट किए थे वो सभी ब्लास्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये बिल्कुल रियल है। जैसे ही हम अधिक दूरी संख्या पे टारगेट करेंगे 7112 चीट को डायल करके, तो वो टारगेट बिल्कुल हमारा मिशन कम्प्लीट होगा। एंड इसके बाद में हम बात करने वाले हैं अगली ट्रिक के बारे में। तो दोस्तों, अगली ट्रिक करने के लिए हमें साइकिल लेकर स्टेशन पे आ जाना है। जैसे हम स्टेशन पे आएंगे हमको ट्रेन खड़ी देखने को मिलेगी, तो उस ट्रेन का जो हमें खिड़की देखने को मिलती है जहां से हम उस पर चढ़ते हैं, तो ठीक उसी जगह पे हमको साइकिल लाकर वहां पे खड़ी करनी है एंड उससे हमको उतर जाना है। उतरने के बाद में हमको हल्का सा पीछे आना है एंड वापिस से हमें थोड़ा आगे जाना है। जाने के बाद में हमें ट्रेन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है एंड साइकिल का भी, तो जैसे हम उस पर बैठेंगे, जैसे ही दोस्तों मैं साइकिल के ऊपर बैठा तो भाई ये हमारे गेम का करेक्टर कुछ इस प्रकार से साइकिल को ड्राइव कर रहा है जैसे कि इसके अंदर पराई आत्मा की शक्ति आ गई हुई भी है। बिल्कुल शक्तिमान से भी भाई नेक्स्ट लेवल से साइकिल को ड्राइव कर रहा है एंड ये काफी अच्छा भी लग रहा है। इन जो भी मैंने ट्रिक्स बताई उन ट्रिक्स से काफी बेहतर था, वैसे वो ट्रिक्स भी काफी बेहतर थी। और ये क्या दोस्तों, इसने तो भाई बुगाटी गाड़ी को पलटा दिया। इतनी शक्ति आ गई कि इन दोनों के अंदर, साइकिल एंड करेक्टर के अंदर, जिन्होंने बुगाटी गाड़ी को पलटा दिया। एंड जैसे मैं इस करेक्टर को देखता हूँ साइकिल ड्राइव करते समय, तो भाई मेरे को तो काफी ऐसी आ रही है। और इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक के बारे में। भाई वो ट्रिक देख के आप सभी का दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा सच में। तो दोस्तों, इस ट्रिक में मैं बताने वाला हूँ आप सभी को कि अपने
गेम के अंदर ये जो कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं इनको रिमूव कैसे करें, क्योंकि दोस्तों हम यूट्यूबर जब वीडियो बनाते हैं एंड उसके लिए हम थंबनेल के लिए स्क्रीनशॉट लेते हैं गेम से जाकर, तो ये भाई कंट्रोल्स दिख जाते हैं जो कि थंबनेल काफी अच्छी नहीं लगती इन कंट्रोल की वजह से। ये दोस्तों अब बताते हैं आप सभी को ये कंट्रोल्स को कैसे रिमूव करें अपने गेम के अंदर से। तो सबसे पहले हमको यहाँ जहाँ हमारा करेक्टर कैमरा एक्शन चेंज का ऑप्शन आता है उस पर हमको प्रेस करके रखना है थोड़ी देर। जैसे प्रेस करके रखेंगे तो ये सभी कंट्रोल्स रिमूव हो जाते हैं कुछ इस प्रकार से, एंड हम अपने गेम की थंबनेल भी ले सकते हैं जो कि काफी अच्छी लग रही है। आप सभी स्क्रीन में देख पा रहे हैं यार कितनी अच्छी लग रही है। हाँ तो दोस्तों ठीक इसी प्रकार से आप भी और ट्रिक्स पाना चाहते हैं तो कमेंट में सबसे ज्यादा पार्ट टू वैसे कमेंट करना, तो मेरे पास और भी ट्रिक्स अपने गेम की तो वो भी आप सभी को मैं पार्ट टू की वीडियो बनाकर आप सभी को बता दूंगा। तो दोस्तों ये ट्रिक्स आप सभी को कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना प्यारा सा लाइक एंड अपने यूट्यूब चैनल सिन्नू गेमर को भी कर लेना सब्सक्राइब, और सभी अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना जो कि अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम को खेलना पसंद करते हैं, तो उनको भी पता चले अपने गेम की न्यू ट्रिक्स के बारे में। मिलता हूँ दोस्तों आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।